उदित दृष्टि करना है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना हेतुत्वात् कर्म नाम कर्म की मतलब धर्म संबंधित कर्म करने के लिए प्रातःकालीन सूर्य सबसे अच्छा है, इसीलिए वहां पे लोग जो है तैयारी करते हैं कर्म करने के लिए, इसलिए वहां पे प्रस्ताव में उदित दृष्टि करना है। फिर क्या बोला, मध्यन दिन उद्गीत श्रेष्ठा, मध्यन दिन सूर्य उद्गीत में मध्यन दिन सूर्य का दृष्टि करना, क्योंकि सबसे उज्जवल उसमें सूर्य होता है। अपराह्न प्रतिहार, प्रतिहार में अपराह्न दृष्टि करना है। क्यों? पशुआदीना गृहान प्रतिहरणात्, जो जंगल में रहने वाले पशु आदि को अपने 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 घोंसले के प्रति सब को जो है अपहरण करते, इसलिए होता है। और प्रतिहार में क्या होगा, अपराह्न दृष्टि, प्रतिहार में अपहरण दृष्टि करके उपासना करना है। क्यों? क्योंकि वो पशुवादि को वो अपने अपने घर के ओर भेज दो, मतलब अस्तगामी सूर्य क्या करते हैं, सभी को मन में ये भावना उठाता है अब मेरे को वापस जाना है, जहाँ जंगल में काम करने गया, कहीं बाहर काम करने गया, अभी जो हमको घर जाना है, इसलिए बोलते प्रतिहरणार्थ। अच्छा, फिर क्या बोलते हैं, यत अस्तम यन, ये देखिए यत अस्तम यन आपके पास आया हुआ है, जो पदांत में नकार होता है तो उसको अनुस्वर और विसर्ग समसूत्र के प्रकरण में आया हुआ है। अनुस्वर और विसर्ग को दो भाग में बांटते हैं, तो अनुस्वर जो है आपका देखिए बिंदी के रूप में दिखाई दे रहा है, और विसर्ग देखिए सकार के रूप में दिखाई, दंत सागर तकार है ऐसा सकार के रूप में दिखाई दिया। और कहे वो सूत्र खमखई अम्पर पुंख न पुंखई अम्पर नहीं है उसका है, नश्य पदंतस्य छली, नश्य अपदंतस्य नहीं ये भी नहीं, क्या है जो नकार को जो समसूत्र के प्रकरण में आता है ना, वो लास्ट में आता है पुंखई खई प्रत्यय बात है ना, वो नहीं उसके लिए मतलब अनुस्वर और विसर्ग दो में बदल जाते हैं। नश्च छब्द अप्रशान, नश्च छब्द अप्रशान, प्रशान शब्द को छोड़ करके नकार को नश्च छब्द अप्रशान, ये सूत्र है नश्च छब्द अप्रशान, नकार के बाद यदि छब प्रत्यय मतलब च छ ट ठ त थ हो तब क्या होता है, वो अनुस्वर विसर्ग में बदल जाता है, और वो जब अनुस्वर विसर्ग में बदलते हैं ना तब आगे यदि च छ है तो ताली वर्ष में बदलेगा, त थ है तो दंत स्वर में बदलेगा, और ट ठ है तो मूल ध्वनि में बदलेगा, सुनाष्ट सुनाष्ट से लगते हैं लग करके। तो यहाँ पे देखिए जब यन यन ये पार्टिसिपल है मतलब जाता हुआ पदार्थ में नकार था, तो नकार को दो भाग में विभाजन है अनुस्वर और विसर्ग, अनुस्वर अनुस्वर रूप में बिंदी रूप में दिखाई दे रहा है, और जो है विसर्ग जो आगे त है इसलिए दंत स्वर के रूप में दिखाई दे रहा है। जब अस्तम यन यन जो है याद धातु का पार्टिसिपल है मतलब जाता हुआ अस्त जाता हुआ यत नहीं है, तन निधन उस निधन में वो दृष्टि करना है। क्यों? रात्रो ये निधना प्राणिना, सभी व्यक्ति रात्रि में अपने घर में जाकर आश्रय लेते हैं, इस कारण से, इस कारण से रात्रो रात्रि काल में गृह निधना अपने घर में आश्रय लेते, प्राणिना जीव अपने घर में आश्रय लेते हैं। एतद् बृहत, इस प्रकार जो बृहत समय आदित्य प्रोतम, ये जो है आदित्य में आश्रित है, ये बृहत आदित्य बृहत आदित्य दैवत्वात्, ये वाक्य है श्रुति वाक्य, बृहत आदित्य दैवत्वात् बृहत सम आदित्य देवतावाद से संबंध रखने वाले है, बृहत आदित्य दैवत्वात् बृहत जो है आदित्य देवता से संबंध रखने वाला है। तो बृहत से श्री भगवान जो है, क्योंकि मुंशी भगवत गीता बोलते हैं मैं अनेक नाम लेकर के शाम है तो मैं बृहत शाम, क्यों आदित्य हमारा प्रकृष्ट रूप है भगवान के, इसी उसका स्तुति करके रहते हैं। अब यहाँ पे टीका करके लिख रहे हैं, आदित्यस्य प्रजा प्रसव हेतुत्वात् तत् हेतु मैथुन दृष्टि अनंतरम आदित्य दृष्टि उत्थापयति। तो क्या बोला, आदित्य भी प्रजा की उत्पत्ति के लिए हेतु है, क्योंकि गर्भ को पकड़ के रखते हैं, इसीलिए वामदेव शाम के वर्णन के बाद उसके बाद में जो है आदित्य संबंध आश्रित शाम के बारे में कथन किया, वो क्या हमारा बृहत शाम आदित्य संबंधित रखने से अनंतरम आदित्य दृष्टि उत्थापन, आदित्य दृष्टि को उत्थापन करते हैं। उद्दन उद्दन सभी तो पहले वहां प्रतीक हो गया, इसका फल देखिए क्या बोलते हैं, सज एवं एतत् बृहत् आदित्ये प्रोतम वेद, सज एवं एतत् बृहत् आदित्ये प्रोतम वेद,
तेजस्वी अन्नादो भवति, तेजस्वी अन्नादो भवति, सर्वमायुरेति, सर्वमायुरेति, योग जीवति, योग जीवति, महान प्रजया पशुभिर्भवति, महान प्रजया पशुभिर्भवति, महान कीर्त्या, महान कीर्ता, तपन्तं न निन्देत तद्व्रतम्, तपन्तं न निन्देत तद्व्रतम्। सजा एवं एतत् बृहत् आदित्ये प्रोतं वेद, तेजस्वी अन्नादो भवति, सर्वमायुरेति, योग जीवति, महान प्रजया पशुभिर्भवति, महान कीर्ता, तपन्तं न निन्देत तद्व्रतम्। ओ, जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से, ये जो है बृहद श्याम आदित्य में आश्रित है, बृहद श्याम आदित्य आश्रित है ना, इस प्रकार जानते हैं तो उपासना करते स ज एवं, वो जो भी कोई व्यक्ति एवं मतलब इस प्रकार से, एतत् मतलब ये जो श्याम है, एतत् श्याम बृहद श्याम आदित्य प्रोतम, आदित्य में आश्रित है, इस प्रकार से उपासना करते हैं, जानते हैं तो क्या फल है, तेजस्वी अन्नादो भवति, आदित्य के समान तेजस्वी उज्जवल होते हैं और बहुत भोजन करने वाला भी होते हैं, दीप्ताग्नि होते हैं, सर्वमायुरेति पूर्ण जीवन जीते हैं, योग जीवति उज्जवल जीवन जीते हैं, और महान प्रजा पशुभूत भवति, प्रजा और पशुओं के से महान भी रहते हैं, मतलब उसके पास बहुत रहता है, केवल इतना ही नहीं महान कीर्ता उसको कहते भी होते हैं, परंतु उसका एक व्रत है, क्या व्रत है, तपन्तम न निंदे, सूर्य जब ताप देता है तो तब तक मतलब गर्म गर्मी काल में सूर्य जो है गर्म करते हैं तो उसको निंदा नहीं करना चाहिए, तपन्तम न निंदे, तपता हुआ सूर्य को, तपन्तम सूर्यम न निंदे, है ना, जो ताप दे रहा है सूर्य उसको निंदा नहीं करना चाहिए, तत्व्रतम ही उसका व्रत है। तो बृहद श्याम उपासना करने वाला जो आदित्य में प्रतिष्ठित है, आदित्य की निंदा नहीं करना चाहिए। उपासना जो है ना यहाँ पे जो इस फल प्राप्ति जब तक ना हो, एक बार उसको चैंट करना है, चैंट की नहीं उपासना करना है, क्या करना है आपको, ये उपासना जो है ना ये अकेले आप नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये जो कर्म अंग अभवद उपासना है, आप देखिए एक के बाद एक शाम गान मतलब यज्ञ करते समय यज्ञ की कर्म, क्योंकि इसके पहले क्या बोला था, वो जो रथंतर शाम है वो क्या करता है, अग्निमंथन के समय उसको गाया जाता है, रथंतर शाम के चिंतन अग्निमंथन के समय उसको प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार इसका कुछ नहीं लिखा, स्वतंत्र रूप से आप चिंतन कर सकते हैं, परंतु कब तक करना चाहिए ये आपकी इच्छा के ऊपर, वहाँ पे बोला उपनिषदों में भी इसको ब्रह्म सूत्र में इसको लेकर के विचार उठाया, क्या उठाया कि उपासना कब तक करना चाहिए, तो उपासना मतलब यदि आपका अहंग उपासना है, जिस देवता के साथ आप एकत्र अनुभव करना चाहते हैं, तो जब तक जीते जी उस देवता के साथ एकत्र का अनुभव है तब तक करना चाहिए, और यदि कोई विशेष फल प्राप्ति के लिए है तो वो तो पुजारी करते हैं, वो इसको उपासना करेगा आपको फल प्राप्त होगा, ये हमारे लिए आ रहे हैं, जिंदगी भर उपासना कर सकते हैं, जब तक ना उस भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है, आदित्य उपासना या मधु विद्या में सूर्य उपासना के बारे में कथन किया हुआ है, परंतु कर्मांगबद्ध नहीं स्वतंत्र उपासना है, वो स्वतंत्र उपासना है, ये तो शामगान के साथ अन्नित होकर के आ रहा है, शामगान के साथ अन्नित होकर आ रहा है। स ज इत्यादि पूर्ववत, ये जो पहले जैसा बोल करके आया यहाँ पे ऐसे समझना चाहिए, तपन्तम न निंदे, तपता हुआ सूर्य को निंदा नहीं करना चाहिए, इसका व्रत है, हो गया बृहद, यहाँ पे जो है बृहद शाम जो है उसका वो आदित्य में आश्रित है, और उसमें व्रत क्या है कि आपको तपता हुआ आदित्य कभी निंदा नहीं करना चाहिए, बाकी जो ये फल उसको प्राप्त हो जाते हैं, उपासना करने वाले का ये फल प्राप्त होते हैं। फिर आ रहा है देखिए वहाँ पे कि बारिश को लेकर के बोल रहा है, मेघ में वैरूप शाम, विविध रूप विरूप और उसका भाव, इसलिए बोलते हैं वैरूप, बी को कुशल को तद्धित हो गया, वैरूप शाम यहाँ पे बोलते हैं, जैसे आकाश में बादल है ना, वो कभी हवा के कारण कभी कुछ रूप होता है कभी कुछ रूप होता है, इसका इसलिए नाम दिया वैरूप शाम, वैरूप शाम,
अगले को लेके बोलते हैं, देखिए वहां पे बोल रहे हैं, अभ्राणी संप्लवते सहिंकारो, अभ्राणी संप्लवन्ते सहिंकारो, मेघो जायते स प्रस्तावो, मेघो जायते स प्रस्ताव, वर्षति स उद्गीतो, वर्षति स उद्गीतो, विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः, विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः, उद्गृणाति तन्निधनम्, उद्गृणाति तन्निधनम्, एतद्वैरूपं पर्यन्ने प्रोतम्, एतद्वैरूपं पर्यन्ने प्रोतम्, अभ्राणि संप्लवन्ते सहिंकारो, मेघो जायते स प्रस्तावो, वर्षति स उद्गीतो, विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार, उद्गृणाति तन्निधनम्, एतद्वैरूपं पर्यन्ने प्रोतम्। अभ्राणी मतलब अपविभर्ति इति अभ्राणी, जो जल को भरण पोषण करते हैं, बादल पकड़ के चलते ना बादल, संप्लवते मतलब कुछ आकार को प्राप्त करते हैं, अथवा एकत्र होते हैं, है ना, प्लुंगत धातु है, गति अर्थक धातु है, तो आप जो है अब संगम शब्द का क्या अर्थ होता है, गम धातु जिस अर्थ में है प्लुंगत वो उसी अर्थ में है, तो संपूर्व गम धातु का क्या अर्थ होता है, मिलना मतलब एकत्र होना, इसलिए संप्लवन्ते इसका अर्थ भी हो गया, जब मेघ सब इकट्ठा हो जाते हैं, मेघ इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, अभ्राणी संप्लवन्ते सहिंकार, हिंकार में ये दृष्टि करना, क्या बादल इकट्ठा हो रहा है, ये हिंकार में दृष्टि करना, मेघो जायते ऐसा प्रस्ताव, अब घनघोर हो गया बादल मतलब बारिश के लिए तैयारी हो गया, तो प्रस्ताव में ये दृष्टि करना है, बादल बरस वर्षति स उद्गीत, उद्गीत में वर्षा दृष्टि करना मतलब वर्षण, ठीक है ना, जो वर्षा होता है उसी को उद्गीत में, विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार, बिजली की चमक और गर्जन करते हैं ना वो प्रतिहार चारों तरफ फैल जाते हैं, और उद्गीणाति बारिश हो गया फिर जल को जो है फिर सूखा भी देते हैं, धीरे धीरे जो है वो कम हो जाता है, इसलिए तन निधनम, बरसात के बाद फिर जल जो सूर्य किरण निकलते उसी जल को फिर खींच भी लेते हैं, उद्गृणाति उदकम आदत्ते, जल को फिर मतलब ग्रहण कर लेते, तन निधनम उसको निधन, निधन में ये दृष्टि करना है, एतद् वैरूपम, ये जो साम है ना इसका नाम है वैरूप, मतलब नाना आकृति, नाना वैरूपतम अनेक आकार अनेक रूप, वैरूप है ना नाना आकृति का, ये पर्जन्य में पर्जन्य प्रोतम, ये वैरूप शम क्या है, बादल में भूत आश्रित है, वैरूप शम बादल में आश्रित है, तो क्या हो गया, अभ्राणी संप्लवन्ते सहिंकार, ये जो जल भरने वाला जो अभ्रमत्त बरसने वाले मेघ को बोलते हैं, वो जो एकत्र होता है धीरे धीरे करके अहंकार में ये दृष्टि करना है, फिर बोलता है मेघो जायते, अब जब मेघ इकट्ठा हो गया ये जो है आपको कहाँ करना है, प्रस्ताव में मतलब बारिश के लिए तैयारी हो गई, और फिर जो वर्षा हो रहा है वो उद्गीत, वर्षति स उद्गीत, अगर वर्षण मतलब उद्गीत में वर्षण दृष्टि करना है, उस समय विद्युत अति स्तनयति स प्रतिहार, है ना, वहाँ पे जो है बिजली की चमक और फिर जो है आवाज घन घन आवाज भी होता है, स्तनयति स्तनयति बिजली की चमक और गर्जन, वो जो प्रतिहार में ये दृष्टि करना है, और उद्गृणाति मतलब उदक को फिर जो है सुखा भी लेते हैं, हवा चला देते हैं, तन निधन, इसको निधन में ये दृष्टि करना है, अद्वैरूपम, ये जो इस प्रकार की जो साम है उसका वैरूप नाम है, पर्यन्य प्रोतम, वैरूप मतलब विविध रूपम इति वैरूपम, ये बादल में आश्रित है, इसको पद देखिए, हाँ अभ्राणी टीकाकार लिखिए, देखिए लिख रहे आदित्य जायते वृष्टि इति स्मृते, आदित्य कार्यत्वात् पर्यन्नस्य आदित्य दृष्टि अनंतरम पर्यन्न दृष्टिम दर्शयति, ठीक है ना, एक मनुस्मृति में एक श्लोक आता है वो है 376, मतलब अग्नौ प्रास्याहुति सम्मत आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्यात् जायते वृष्टि ततो अन्नम ततः प्रजा, है ना, तो क्या बोला यहाँ पे, अग्नौ प्रास्याहुति सम्मत, आग में जो आप आहुति देते हैं ना, सम्मत कुछ आहुति देते हैं, आदित्यम उपतिष्ठते, वो आदित्य में जाके सूक्ष्म रूप में बैठा रहता है, फिर क्या होता है, आदित्यात् जायते वृष्टि, उसी से जो है मेघ इकट्ठा होता है, आदित्य से बारिश होता है, बारिश के फल अन्न होते हैं, अन्न से फिर प्रजा उत्पन्न होते हैं,
है ना, इस क्रम से हमारे सृष्टि चलते। तो इसलिए हमारे आनंद गिरी जी बोल रहे हैं आदित्य जायते वृष्टि इति स्मृते, इस प्रकार मनुस्मृति है 376। आदित्य कार्यत्व पर्जन्यस्य, बादल क्यों होता है, बहुत गर्मी हो गया तो ग्रीष्म के बाद वर्षा आता है, हमें भी यहाँ पे देखते हैं बहुत गर्मी है तो बादल एक कर होता है फिर वर्षा आते हैं, इसलिए बोलते हैं आदित्य कार्यत्व पर्जन्यस्य, पर्जन्य जो है आदित्य का कार्य, आदित्य उसके पीछे कारण है, इसीलिए आदित्य दृष्टि अनंतरम, इसके पहले बृहद शाम में आदित्य में आश्रित था वो, इसलिए आदित्य दृष्टि का अनंतरम, अब जो है पर्जन्य दृष्टि, इसलिए आप बोलते हैं एतद् वैरूप है अनंतरम पर्जन्य दृष्टि दर्शयति, है ना, ये पर्जन्य दृष्टि पर्जन्य में आश्रित है, कौन, ये जो हमारा वैरूप शाम पर्जन्य में आश्रित है, इसलिए वहां पर क्या होगा पर्जन्य का अलग अलग भाग को पांच विभक्ति के शाम में ये करके आरोप करके उपासना करना है, ये इसका अभिप्राय है। तो यहाँ पे अभ्राणी भाष्य में आ जाइए, अभी अभ्राणी अभरणात मेघ उदक क्षेत्रित्व, अभ्राणी मतलब जल भरते हैं, अभ्राणी इसका अर्थ क्या कर दिया, अप देखिए वहां पे अप है वो आगे भ है, जल को भरनात मतलब भरण जल को भरने के कारण, इसको मतलब तो क्या है वो, कहाँ जल भरता है, मेघ है उदक क्षेत्रित्व, क्योंकि मेघ क्या करता है पानी को सिंचन करता है, मेघ पानी को सिंचन कर उदक क्षेत्रित्व, उक्तार्थम अन्नत, बाकी तो कुछ नया बोलना ही नहीं है, है ना, यहाँ पे जो एतद् वैरूपम नाम शाम, इस प्रकार विरूप नाम मतलब विविध रूप, वैरूप शब्द का अर्थ क्या हो गया विविध रूप, इस प्रकार विविध रूप वाला जो शाम है पर्जन्य प्रोतम, ये जो है बादल में नहीं थे वो, अनेक रूपत्वात् क्योंकि बादल आकाश में रहते रहते हवा से अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, अभ्रादी भी पर्जन्यस्य वैरूप्यम, मेघ से मिलकर के अभ्रादी भी पर्जन्यस्य वैरूप्यम, मतलब जल अभ्र अब बोलते हैं उससे जो जब सूखा अवस्था में आ जाते हैं तो उसके द्वारा जो बादल बनते हैं अनेक प्रकार के आकार को धारण कर लेते हैं, और इसी के ऊपर तो हमारा कालिदास ने पूरा मेघदूत बना दिया, गंधर्व नगर बना करके उसका जो बादल बादल से मैसेज भेजना ये करना पूरा मेघदूत इसी के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पे वैरूप बोल रहे हैं मतलब विविध रूप धारण करते हैं, पर्जन्य प्रोक्तम अनेक रूपत्व आदि पर्जन्य वैरूप अभ्रादि भी मतलब जल की भरण के माध्यम से पर्जन्य अनेक अनेक रूप को धारण करते हैं। टीकाकार बोलते हैं कथम वैरूप वैरूपम श्याम तस्मिन प्रतिष्ठितम, ये वैरूप श्याम तस्मिन पर्जन्य कथम प्रतिष्ठितम, कैसे प्रतिष्ठित है वैरूप श्याम तस्मिन पर्जन्य कथम प्रतिष्ठितम, कैसे प्रतिष्ठित है तत्राह, क्योंकि अनेक रूप तद वैरूप शब्द का अर्थ होता है विविध रूप, और बादल इकट्ठे होकर के अलग अलग प्रकार रूप धारण करते हैं, इसलिए अनेक रूपत्वा अभ्रादि भी पर्जन्यस्य वैरूपम, जल बरसने वाला मेघ को इकट्ठा करके पर्जन्य जो बादल जो अनेक आकार धारण कर लेते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे कहा गया है कि वैरूप शाम बादल में प्रतिष्ठित है, वैरूप शाम बादल में प्रतिष्ठित है। आज इसका फल क्या है तो उसको लेकर के देखिए बोल रहे हैं सजेतद वैरूपं पर्यन्ने प्रोतं वेद, सजेतद वैरूपं पर्यन्ने प्रोतं वेद, विरूपागुंश्च स्वरूपागुंश्च पशुन अवरुन्धे, विरूपागुंश्च स्वरूपागुंश्च पशुन अवरुन्धे, सर्वमायुरेति सर्वमायुरेति योग जीवति योग जीवति, महान प्रजया पशुभिर्भवति महान प्रजया पशुभिर्भवति, महान कीर्त्या महान कीर्ता, वर्षन्तम् न निन्देत तद्व्रतम् वर्षन्तम् न निन्देत तद्व्रतम्, स य एवम् एतद् वैरूपं पर्यन्ने प्रोतं वेद, विरूपागुंश्च स्वरूपागुंश्च पशुन अवरुन्धे, सर्वमायुरेति योग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या वर्षन्तं न निन्देत तद्व्रतम्। बोल है वो जो भी कोई व्यक्ति इस प्रकार मन वैरूप शाम को
परजन्म में आश्रित है ऐसा समझ करके उपासना करते हैं। परजन्म पोते प्रोतम वेद मतलब बादल में आश्रित है विरूपम, उसको क्या होता है विरूपागुंश स्वरूपागुंश, विरूप मतलब विचित्र रूप वाले पशुओं को अथवा एक ही रूप वाले पशु को जो है क्या करता है अवरुद्ध मतलब वो उसको पालते हैं मतलब उसका उसका अधीन हो जाता है, अनेक प्रकार के पशु उनके अधीन हो जाते हैं विरूपाश्च स्वरूपाश्च पशु अवरुद्धे। फिर बाकी तो एक ही प्रकार का सर्प मायुरेति योग जीवति महान प्रजा पशु विभवति महान कीर्तन, ये सब एक ही प्रकार बार बार आ गए। परंतु यहाँ भी एक व्रत है क्या लंबा समय से बारिश हो रहा है, अरे बारिश ठीक नहीं है ये नहीं बोलना चाहिए। वर्षंतम न निंदे तद व्रतम, बरसता हुआ जो है जिस समय उसको निंदा नहीं करना चाहिए, ये इसका मतलब नियम है और ये इसको उपासना का फल है। तो यहाँ पे भाष्यकार लिख रहे हैं कि विरूपस्य स्वरूपस्य अच अभिप्रभृति भेर बकरी आदि शरीर प्रभृति पशुओं को पशु अवरुद्धे मतलब उसको प्राप्त करते हैं प्राप्त इसी अर्थ वो व्यक्ति के पास अनेक प्रकार के पशु आ जाते हैं इस प्रकार उपासना करने वाले का। परंतु उसका एक व्रत है, क्या व्रत है वर्षंतम न निंदे तद व्रतम, बरसता हुआ पानी को आप निंदा मत करो, इस साल बहुत वर्षा हो रहा है ये तो खराब हो जाएगी निंदा नहीं करना चाहिए, तब उसको जो है इसका फल प्राप्त हो जाता है। यदि कहीं पे अनावृष्टि है तो पहले बोल करके आया था बारिश में पंचभक्ति के सामने, तो क्या है जहाँ वृष्टि नहीं है वहाँ वृष्टि करा सकते हैं, वो आपको उक्त समय तो उनके पास आता है, यदि अधिक वृष्टि होते हैं तो उसको रोक भी सकते हैं, क्योंकि इसके पहले आप देखिए द्वितीय अध्याय की वो जो जब पंचभक्ति के सामने आया था ना वहाँ पे देखिए पशु के बाद वर्ष को वहाँ पे बारिश में बोले थे वहाँ पे पंचविंश ऋतु उसके समुद्र वृष्टि में पाँच पंच सर्वासु अपसु पंचविधमेत। हाँ देखिए तृतीय खंड में देखिए वृष्टो पंचविधम साम उपासित, ठीक है तृतीय खंड में 106 में पूर्ववात हिंकारो मेघ जायते प्रस्ताव वर्षति उद्गीत विद्यो तत्स्थने अतिश प्रतिहार उद्गिनाति तन्निधनम, इसी को बोलना है यहाँ पे। इसका फल क्या कहा था वहाँ पे कि वो जो है विद्वान जहाँ कहीं भी जाएगा यदि वहाँ पे बारिश नहीं है तो बारिश करा सकते हैं, और इसी प्रकार यदि कहीं अधिक बारिश है तो उसको रोक भी सकते हैं बारिश को, क्योंकि उसको उस दृष्टि से उपासना किया उसने, इसलिए यहाँ पे बोलता है ये तत् पूर्ववत। यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे अधिक नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखता है विरूपाश्च स्वरूपाश्च अजाभि प्रवृत्ति प्रसून अवरुंधे प्राप्नोति, और फल क्या और उसमें क्या गया व्रत क्या है वर्षंतम न निंदे तद व्रतम, बरसता हुआ अवस्था को निंदा नहीं करे इसका अंदर व्रत है। अब देखिए जो पहले बोल कर क्या था पंचम खंड में देखिए तब आसन में आ जाएगा आपका ऋतुषु पंचविदशाम उपासित वसंत हिंकार ग्रीष्म प्रस्ताव वर्षा उद्गीत हेमंत प्रतिहार शरद प्रतिहार हेमंत निधनम, ठीक है ना ये जो पंचम खंड में देखिए उसी को आप देखिए यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है ना इसका एक नाम है वो है वैराज वैराज श्याम, ठीक है ना तो उसको देखिए यहाँ पे वो जो उसको पहले बोल कर कहा एक ही शब्द बोल रहा है वहाँ पे देखिए ऋतुषु पंचमी तो बोल कर वहाँ पे क्या बोलते वसंत हिंकार ग्रीष्म प्रस्ताव वर्षा उद्गीत शरद प्रतिहार हेमंत निधनम है ना पेज 108 में उसी को देखिए बोलते हैं वसंत हिंकार ग्रीष्म प्रस्ताव वर्षा उद्गीत शरद प्रतिहारो हेमंतो निधनम एतद् वैराजम ऋतुषु प्रोतम वसंतो हिंकार ग्रीष्म प्रस्ताव वर्षा उद्गीत शरद प्रतिहारो हेमंत निधनम एतद् वैराजम ऋतुषु प्रोतम। ये पहले भूल कर का है हिंकार में वसंत दृष्टि करना है प्रस्ताव में ग्रीष्म दृष्टि करना है उद्गीत में वर्षा दृष्टि करना है प्रतिहार में शरद दृष्टि करना है और निधन में हेमंत दृष्टि करना है। ये जो शांत उपासना है पांच भक्ति के साथ इसका नाम है वैराज शाम एक ही प्रकार का है। देखो आप इसलिए भगवान भाष्यकर भी कुछ नहीं लिख रहे वसंत हिंकार प्राथम्यात और ग्रीष्म प्रस्ताव इत्यादि पूर्ववत पहले हम बोल कर गए पंचम खंड
उसी के यहाँ पे देख लेना है। अब इसका फल देखो, कहते हैं सज एवं एतद् वैराजम ऋतुषु प्रोतम वेद, सज एवं एतद् वैराजम ऋतुषु प्रोतम वेद, विराजति प्रजया पशुभिर, विराजति प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चस्येन, ब्रह्मवर्चस्येन सर्वमायुरेति, सर्वमायुरेति जोग जीवति, जोग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति, महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या, महान कीर्त्या ऋतुना निंदेत तद् व्रतम्, ऋतुना निंदेत तद् व्रतम्, सज एवमेतद् वैराजम् ऋतुषु प्रोतम् वेद, विराजति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चस्येन सर्वमायुरेति, जोग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या ऋतूना निन्ने तद्व्रतम्। यहाँ पे ऋतून समझ में आ रहे आपको, कीर्त्या महान कीर्त्या के साथ आकार था, कीर्ति के साथ वहां पे आगे री था तो गुण हो गया, गुण होकर के रेफ ऊपर चला और हो गया। तो जो भी कोई व्यक्ति इस प्रकार वैराज शाम ऋतु में आश्रित है ऐसा जानकर के उपासना करते हैं, विराजति राजदीप्तो प्रकाशित है, राजति प्रकाश प्रकाशित हो जाता है वो समाज में, प्रजया पशु भी प्रजा के साथ पशु के साथ, और ब्रह्मवर्चस्येन, ब्रह्मवर्चस मतलब श्रद्धा निमित्त जो शारीरिक थे ब्रह्मवर्च उसके द्वारा, फिर सर्वमायुरेति जोग जीवती ये पहले से आ रहे हैं, महान प्रजा पशुवीर भवती ये भी पहले से, महान कीर्ता इसकी कीर्ति विख्याति भी फैल जाती है, परंतु एक व्रत इसको पालन करना पड़ेगा क्या, ऋतु ना निंदे तत् व्रतम, ऋतु की निंदा नहीं करना चाहिए। देखो टीकाकार क्या बोलते हैं, भाष्यकार इधर टीका तो हमने इधर का पढ़ लिया ना, अब भाष्य में ए तद वैराज ऋतुषु प्रोतम वेद विराजति ऋतुवत यथा आर्तव आर्तवहिर धर्मे विराजन्ते एवं प्रजादिभिर विद्वान इति उक्तम अन्नत। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एतद ये जो शाम है ना वैराज शाम है, एतद वैराजम ऋतुषु प्रोतम ऋतुओं में आश्रित है, वेद जो इस प्रकार उपासना करते हैं जानते हैं उसका क्या फल है, विराजति वो प्रकाशित होता है, प्रकाशित है ऋतुवत जैसे ऋतु अलग अलग ऋतु अलग अलग रूप में प्रकाशित होते हैं, यथा आर्तव जिस प्रकार ऋतु संबंधित वस्तु, आर्तव मतलब ऋतु संबंधित अद्वित हुआ है, आर्तवे धर्मे मतलब जिस ऋतु में जिस प्रकार की धर्म अथवा गुण युक्त होना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर उस प्रकार की ऋतु संबंधित गुण धर्म और भोग्य वस्तु भी उनके पास आता है, जिस ऋतु का जो भोग्य वस्तु है, आर्तवे धर्मे विराजन्ते वो जो प्रकाशित होते हैं एवं प्रजादि भीर विद्वान इस प्रकार से जो प्रजादि के साथ वो विद्वान जो है उसका लाभ होता है। इति उक्तम अन्नत इसका बाकी का कथन तो हमने पहले कथन करके आया पंचम खंड में, इसलिए यहाँ पे अधिक नहीं बोल रहे, परंतु एक व्रत जो नया है यहाँ पे वो नया व्रत क्या है, ऋतु न निंदे तद व्रतम ऋतु की निंदा नहीं करना चाहिए, ये इसका व्रत है। अच्छा भाई अब जो है टीकाकार अगले के लिए उद्घात दे रहे हैं, ऋतुषु सम्मक वृत्तेषु लोकस्थितेः प्रसिद्धत्वात् ऋतु दृष्टि अनंतरम लोक दृष्टिम आह। यदि आपका प्रकृति अपने नियम से चलते हैं मतलब ऋतु समय से आता है गर्म, आजकल तो सब समय बढ़ रहे घट रहे बदलता जा रहा है, परंतु जो भी कोई भी ये जो है ऋतु की सम्मक रूप से यदि वो चलते हैं तब कहते हैं लोक स्थिति, लोक ठीक से रहते हैं, है ना, ऋतु यदि ग्रीष्म भस्मा शरद ये ठीक से चलते हैं तो लोग स्वस्थ रहते हैं, लोग की स्थिति होती है, ये प्रसिद्ध है लोक व्यवहार में देखा गया है, इसलिए ऋतु दृष्टि अनंतर ऋतु दृष्टि के बाद लोक दृष्टि को यहाँ पे विधान करते हैं, है ना। तो आप देखिए इस मंत्र में पृथ्वीहिंकारो अंतरिक्षं प्रस्तावो दौरुद्गीत दिशः प्रतिहारः समुद्रो निधनम् एता
शक्वर्यो लोकेषु प्रोताः एका शक्वर्यो लोकेषु प्रोताः पृथिवी हिंकारो अंतरिक्षं प्रस्तावो यौदीपो इतप्रतिहारः समुद्रो निधनचित्ते एता शक्वर्यो लोकेषु प्रोताः। इस शाम का नाम है श्वक्वरी। श्वक्वरी और उसका बहुवचन क्या जगह नदी शब्द का त्रिलिंग में प्रथमा बहुवचन क्या होता है? नद्य, नदी, नद्दो, नद्य। इसलिए मतलब शक्वर्य विसर्ग हुआ था, फिर ओ मत बदल के आगे लॉ है ना, सॉफ्ट कंसोनेंट आगे मतलब कहा सा। इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, हिंकार में पृथ्वी दृष्टि करना है, प्रस्ताव में अंतरिक्ष दृष्टि करना है, फिर ना फिर जब उद्गीत में दुलोक दृष्टि करना है, प्रतिहार में दिशा दृष्टि करना है और निधन में समुद्र दृष्टि करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से अलग अलग स्थान में अलग अलग, हिंकार में पृथ्वी, प्रस्ताव में अंतरिक्ष और फिर मतलब देखो ऊपर का लोक और नीचे का लोक, और उद्गीत में दिशा दृष्टि करना है और प्रतिहार सॉरी उद्गीत दुलोक, उद्गीत में दुलोक दृष्टि करना है और प्रतिहर में दिशा दृष्टि करना है और समुद्र में निधन दृष्टि करते हैं, मतलब समुद्र नीचे के लोग है ना, इसलिए बोलते हैं एता। इस जैसे हम लोग दृष्टि है ना, ये स्वर्वीय शाम इसका नाम है, ये प्रथमा बहुवचन है ना, स्वर्वी नित्य नित्य बहुवचन में ही प्रयोग होता है, स्वर्वी प्रतिमा दिखा है बहुवचन में ही प्रयोग होता है इसका। लोकेशु प्रोता, ये लोक में गुथा हुआ है, स्वर्वी शाम लोक में गुथा हुआ होता है, स्वक्वरी है वहां पे दीर्घकार है। तो देखिए यहाँ पे भाष्यकार बोल रहे हैं पृथ्वी हिंकार इत्यादि पूर्ववत, ये तो बाकी में तो कुछ नहीं है, हिंकार में पृथ्वी दृष्टि करो, प्रस्ताव में अंतरिक्ष दृष्टि करो, उद्गीत में दुलोक दृष्टि करो, पहले भी आया था लोकेशु पंचविद शाम उपासित तो आया था आपके पास, अब तो ऊर्धेशु फिर आवृत्तेशु वही बोल रहे हैं इसको। इसलिए यहाँ पे दिशा प्रतिहार में दिशा दृष्टि करना है और निधन में समुद्र दृष्टि करना है, तो इसलिए बोलते हैं पृथ्वी हिंकार इत्यादि पूर्व शक्वर्य इति नित्यम भूवचन रेवत्य इव, एक रेवती शाम भी है, रेवती शाम भी नित्य भूवचन में प्रयोग होता है, इसी प्रकार शक्वरी शाम भी नित्य भूवचन में प्रयोग होता है, यानी इसलिए बोलते हैं शक्वर्य इति नित्यम भूवचन हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा, जैसे रेवती शाम जो है जिसका नाम है रेवती शाम, वो भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, रेवती इव। लोकेशु ये किसमें गुथा हुआ है, लोक में गुथा हुआ है ये ना, इसे लोकेशु प्रोता, ये यहाँ पे शक्कर व शान लोकेशु प्रोता, ये लोक में गुथा हुआ है। अच्छा अब देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं, कथम शक्वर्व्यः इति एकस्यैव सामनो नामधेयं बहुवचनत्वात् हि बहूनि सामानि प्रतीयन्ते तत्र आह, ठीक है ना, शक्वर्व्यः तो एक शाम का नाम है, बहुवचन में कैसे प्रयोग कर दिया, नदी नद्दो नद्यः इसका क्या अर्थ होता है, केवल हमने बोला नद्यः इसका मतलब क्या होता है, अथवा नद्यः सन्ति सब नदी तो बोल सकते हैं, परंतु दो से अधिक नदियों को लेकर आप नद्यः शब्द प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, नद्यः सन्ति को रखा है, तो यहाँ पे तो एक आपको बोलना है एक ही शाम को, वो शक यहाँ पे होता है शक्वरी शाम, और परंतु आप यहाँ पे बहुत शाम बोल रहे हैं, बहुवचन प्रयोग कर दे कथम शक्वर्य, मैं तो प्रथम बोल नदी नद्दो नद्य की तरह शक्वर्य इति एकस्य एव शाम, एक ही शाम का यदि ये नाम धेय है तो अब यहाँ पे बहुवचन कैसे प्रयोग कर दिया, तो अनेक का होना चाहिए, बहुवचनाद ही बहुनी सामान्य प्रतियंत, यहाँ पे जो है बहुवचन ने प्रयोग किया इसलिए यहाँ पे अनेक शाम गुथा हुआ होगा ऐसा मानना पड़ेगा, इस प्रतीत हो रहा तत्र आह, इसको उत्तर में भगवान भाष्यकर बोलते हैं स्वक्वर्यः इति नित्यं बहुवचनम, नहीं नहीं इसका ये नित्य बहुवचन में ही प्रयोग होता है, जैसा रेवती शाम, जैसे रेवती शाम नित्य बहुवचन में प्रयोग होता है, इसी प्रकार से शक्कर्व शाम भी नित्य बहुवचन में प्रयोग होता है, शक्कर्व इति नित्य बहुवचनत्वम उभयत्र तुल्यमिति दोतनाय वक्षमानं दृष्टान्तयति, नित्य बहुवचन में प्रयोग दोनों जगह पर समान है, कहाँ पे
सकर्वी और रेवती, यानी दोनों जगह पर समान रेवत्य, रेवती है उसका नाम। तुल्यमिति दोतनाय, इसको प्रकाश करने के लिए वक्षमानम दृष्टान्त, आगे बोला जा रहा है दृष्टान्त को। दृष्टान्त क्या है? दृष्टान्त दृष्टान्त क्या है यहाँ पे? ए भाई, दृष्टान्त क्या है, दृष्टान्त क्या है, किसको समझा रहा है यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे दृष्टान्त हो गया रेवती और दृष्टान्त हो गया स्वकवरी। वो नित्य बहुवचन में प्रयोग होता है। यदि दृष्टान्त दृष्टान्त नहीं समझे तो वाक्य कैसे समझ में आएगा? नित्य बहुवचनत्वम उभयत्र तुल्यम, है ना, बहुवचन दोनों जगह में समान रूप में प्रयोग होता है। इसको समझाने के लिए दोतनाय वक्षमानम दृष्टान्त यति, आगे जो है दृष्टान्त के रूप में कह रहा है। तो दृष्टान्त हो गया रेवती और दृष्टान्त मतलब जिसको समझाने के लिए हम दृष्टान्त को प्रयोग करते हैं उसको बोलता है दृष्टान्त। एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पलीफाइड, एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया रेवती और एग्जाम्पलीफाइड हो गया स्वपरी, ठीक है ना। इसलिए पे बोलते हैं यहाँ पे जो इसका जैसे वहां पे प्रयोग होता है ऐसे यहाँ पे प्रयोग हो गया। महानामनीषु वृक्षु, वृक्षु शक्कर्व्यो गीयन्ते, महानामनी जो ऋग है उस ऋग के, इसीलिए देखिए कहाँ पे गाने थे, महानामनीषु वृक्षु शक्कर्व्यो गीयते, शक्कर ऐसा वहां पे गाया जाता है। इसीलिए हम इसका मनमर्ज उपासना नहीं कर सकते हैं। इसलिए तासाम च आपो वै महानामनी इति अद्वि संबंध स्मृत, वहां पे तासाम मतलब तासाम ऋचाम, तासाम ऋचाम वहां पे क्या लिखा है, आपो वै महान नाम महानामनी, आप जल जो है महानाम और इति अद्वि संबंध, इस मतलब इस मतलब या मन शक्कर भी शाम को गान करते समय पहले क्या आता है, जल महान होता है, तो जल के साथ शक्कर शक्कर शंकर संबंध दिखा रहे। इसलिए तासाम च आपो वही महान महानामनी नामनी इति अद्वि संबंध स्मृत, मतलब शक्कर विषाम का जल के साथ संबंध है ऐसा दिखाई दिया वहां पे। और अपशु लोक प्रतिष्ठित, जहाँ पे जल है वहीं पे उसी के बगल में लोग वसति बैठते हैं। आप देखना कहीं भी बाहर में हो चाहे प्रेस में हो, जन वसति वहां भी होता है जहाँ पे जल उपलब्ध होता है। जल मतलब नदी के किनारे ही हमारे पूरा सभ्यता बैठे हुए हमारे देश होते हैं। और पहला आजकल जैसा सप्लाई होता है घर घर में ऐसा तो नहीं था नदी किनारे, अथवा पहाड़ को ऊपर भी देखना गांव बना हुआ है तो वहाँ पे वो लोग वहाँ पे जाकर कैसे बैठ गया, वो लोग दो चीज देखते हैं, पानी उपलब्ध है कि नहीं और घास उपलब्ध है कि नहीं पशु के लिए, बस जहाँ पे वो मिल गया उनको वहीं बैठ जाते वो लोग बैठ जाते। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि महानामनीषु वृक्षु शक्कर्व्यो गीयते, महानामनी वृक्ष का जब पाठ होता है उस समय क्या कहता है, शक्कर्व्य शाम की गान किया जाता है। तासाम च आपो वै महानामनी, वो जो है ऋचाओं के जब पाठ होता है ना तो वहाँ पे ऐसा शुरू होता है, आपो वै महानामनी मतलब जल जो है महानाम रीति, इस प्रकार से अद्वि संबंध स्मृत, जल के साथ शक्कर्व्य शाम का संबंध दिखाई देता है। अपशु लोका प्रतिष्ठित इतिहास, जल के सन्निध में लोग बसते थे, लोग प्रतिष्ठित होते हैं, च श्रुतम, ऐसा श्रुति वाक्य भी मिलता है व्यवहार में वैसा दिखाई पड़ता है। यथा च अस्मात् संबंधात् लोकेषु शक्कर्व प्रतिष्ठिता इति, इसीलिए यहाँ पे क्या कहा कि शक्कर्व शाम किस में प्रतिष्ठित है, लोक में प्रतिष्ठित है ना, यहाँ पे क्या बोला, लोकेषु शक्कर्व लोकेषु प्रोता, ठीक है ना। मंत्र में क्या आया, पृथ्वी हिंकार अंतरिक्ष प्रस्ताव दो उद्गीत दिश प्रतिहर समुद्र निधन एता शक्कर्व्य लोकेशु प्रता, शक्कर्व्य शाम मतलब इसका एक नाम है, जैसे बृहत रथंतर वामदेव शाम रेवती एक नाम है, इस नाम से कहा जाता है। ये जो आप शाम भक्ति का शाम गान करते हैं ना, एक एक शाम गान का एक एक नाम है, एक गायत्री शाम, रथंतर शाम, वामदेव शाम, पहला शब्द नहीं समझ,
आशय तो उसका नाम है, वो आशय लेकर के यही बोल रहा है कि शंकर वो शाम का गान उस समय के जब ये गान करते हैं तो उसमें ये आता है कि आप वही महानाम जल से शुरू करते हैं और जल के द्वारा लोग जल जहाँ पे लोग बैठते हैं इसीलिए ये जल में प्रतिष्ठित है ऐसा बोला। और यहाँ पे नाम के पीछे क्योंकि इतना अपना पर क्या देखिए, पहले बोला गायत्री शाम, फिर आया रथंतर शाम, फिर आया वामदेव शाम, फिर इस प्रकार से पर वैरूप शाम, वैरजव शाम है, इस प्रकार से अलग अलग नाम लेकर के उसमें ही है कि अब इसको बादल के अनेक रूप देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से विद्यमान रहते हैं, इस हिसाब से मतलब उस नाम का क्या अभिप्राय है वो तो कर्मकांड में जाके देख सकते हैं, पर यहाँ पे तो कुछ नहीं बोले इसके बारे में। तो यहाँ पे गायत्री देखो, यहाँ पे जो गायत्री शाम बोला क्या वहाँ पे गायत्री मंत्र का एक भी शब्द आया हुआ है? अब देखो गायत्री हाँ गायत्री एक देवी है ठीक है हाँ, यहाँ पे उसको तो नहीं बताया, कुछ तो नहीं बताया। देखो यहाँ पे आप गायत्री शाम को देखो, लेकिन गायत्री नाम तो बहुत प्रसिद्ध है ना, वहाँ पे देखो गायत्री शाम कहाँ पे आया था, पहले जो आया हुआ था गायत्री नाम शाम की उपासना, मतलब एकादश खंड में देखो वहाँ पे क्या बोलता है, हिंका मन हिंकार वाक प्रस्ताव चक्षु विद्युत सूत्र प्रत्यय प्राणम निधन तद गायत्रम प्राणी शुक्र समझी। वामदेव एक ऋषि जी का ऋषि का नाम हो सकता है परंतु यहाँ पे तो उसको लेकर के नहीं बोला जा रहा है। अब क्या है, अब यहाँ पे जो है इंद्रियों में प्रतिष्ठित है और इंद्रियों प्राण के आश्रित है, आप ये कह सकता है गायत्री मंत्र जप करने के लिए आप करने से हमारा इंद्रिय जो है पावरफुल होते हैं, सेंसेशन बढ़ जाता है, ये आप कह सकते हैं। परंतु यहाँ पे केवल इसके इस नाम में गायत्री नाम से जाना जाता है, इतना ही बोला यहाँ पे गायत्री कहाँ पे आश्रित है, गायत्री शाम प्राण में आश्रित है, प्राण में आश्रित है। इस प्रकार एक एक शाम का नाम लेकर के रथंतर शाम अग्नि में प्रतिष्ठित है, क्योंकि वहाँ पे क्यों हेतु दिया था वहाँ पे, क्योंकि जो है अग्नि प्रज्वलन करते समय मंथन करते समय रथंतर शाम को गान गाया जाता है ऐसा बोला गया था। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया था, वामदेव शाम, वामदेव शाम तो जो है प्रजा उत्पत्ति के लिए है, प्रजा उत्पत्ति के लिए यह हो सकता है शाम भी गान करके कोई जो है प्रजा होती तो एक उपासना ही है ये। अब यहाँ पे इसलिए इसके पढ़ने के बाद टीका टिप्पणीकार भी इसके ऊपर टिप्पणीकार भी एक शब्द नहीं लिख रहा है, यहाँ पे टिप्पणी कर मतलब इसमें अधिक इसमें ये होगा तो वो होगा तो ये सबको चिंतन करने का नहीं है, सीधा सीधा जो शाम का, इसीलिए हम बोला ना ये साधक हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए उपासना नहीं है, ये क्या होता है शामवित शाम गान करने वाला जो पुरोहित है वो उद्गार मतलब यजमान की मांग के हिसाब से इसका उद्गार करते हैं, यजमान की ऐसा मांग उस हिसाब से करते हैं। तो अब इसका फल कथन करते हैं, जो इस प्रकार उपासना करते हैं ना, है ना, सज एवं एता सत्वर्य लोकेशु प्रोता वेद, सज एवं एता सत्वर्य लोकेशु प्रोता वेद, लोकी भवति सर्वमायुरेति, जोग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या लोकान्न निन्देत तद्व्रतम् सज एवं एताः स्वर्यो लोकेषु प्रोता वेद, लोकी भवति सर्वमायुरेति, जोग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति, महान कीर्त्या लोकान्न निन्देत तद्व्रतम्। जो इस प्रकार शक्कर शाम को उपासना करते हैं, जो लोक में आश्रित है यानी इस दृष्टि से उपासना करता है, वो कहता है लोकी भवति, विशेष फल बोल मतलब उत्कृष्ट लोक को प्राप्त करते हैं, अच्छा लोक को प्राप्त करते हैं, उत्कृष्ट लोक का भी होता है शरीर छूटने के बाद जहाँ पे अच्छा भोग है उस प्रकार स्थान मिल जाता है, बाकी सब एक ही प्रकार है, पूरा आयु जीता है, उज्जवल जीवन जीता है, प्रजा पशु के साथ महान हो जाता है और जस ख्याति भी प्राप्त करता है, परंतु इसका व्रत क्या है, लोकान निंदा, वो लोग खराब है मतलब ये लोग की निंदा नहीं करना चाहिए, लोग की निंदा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए भाष्यकार लिख रहे हैं
कि लोकी भवति, मतलब लोक को फलेन युज्यते, मतलब जिस लोक की फल उनको है उत्कृष्ट लोक को प्राप्त होकर जुड़ जाता है। व्रत क्या है? लोकान निंदे तद व्रत, किस भी लोक की निंदा नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद जो है कि पशु संबंधित जो है ना, ये रेवती शाम है, पशु संबंधित जो संपन है ये रेवती शाम है, ये भी बहुवचन में ही प्रयोग होता है, नित्य बहुवचन में ही प्रयोग होता है। अब देखिए हमने सिक्स्थ पार्ट में पशुषु पंचमी दशाम उपासित बोलकर कहा है, यहाँ पे गाय अज अभी गाय इसको घोड़ा इसको लेकर के बोला था, उसी को एक नाम दे दिया, अभी उसी को नाम दे दिया, उस नाम के साथ इसको उपासना करनी हो। अजाहिंकारो अजाहिंकारो अवयो प्रस्तावो अवयो प्रस्तावो गावो उद्गीतो गावो उद्गीतो अश्वः प्रतिहारः पुरुषो निधनम् एतारेवत्यः पशुषु प्रोताः अजाहिंकारो अवयः प्रस्तावो गावः उद्गीतः अश्वः प्रतिहारः पुरुषो निधनम् एतारेवत्यः पशुषु प्रोताः। यहाँ पे देखो भाष्यकार कुछ नहीं लिख रहे, बोलते अजाहिंकार इत्यादि पूर्ववत, ये रेवती शाम किसमें? पशु में गूंथा हुआ, पशु के आश्रित है। टीकाकार लिखते हैं देखिए कि उसके बाद ये क्यों आया, इसके पहले लोग बोला था ना, मतलब हमारा जो है कि इसके पहले जो हमारे पास शाम भक्ति आता भाई स्वर विश्राम, तो उसके लिए बोला था एक पृथ्वी का लोक में प्रतिष्ठित होता है, ठीक है ना। अब लोक में जो प्रति पशु नाम लोक कार्यत्वा, पशु किसके होता है? कि लोक के कार्य, मतलब लोग उसको पालते हैं, अलग अलग लोग में रहते हैं, लोक दृष्टि अनंतर में लोक दृष्टि के बाद पशु दृष्टि उपन्यास्यते, पशु दृष्टि के इसके बाद इसको क्यों कहा, अथवा सामगान की प्रक्रिया में इस क्रम से गाया जाता है, सामगान की प्रक्रिया में सामजाग में इस क्रम से गाया जाता है, इसीलिए अज इति हिंकार रेवत इति साम नाम ध्येयम। ये रेवत ये एक साम का नाम है, नाम ध्येयम पूर्ववत, पहले जैसा नाम मात्र है, ध्येय प्रत्यय जो होता है मात्र अर्थ में आता है, नाम मात्र ही है, इसमें कोई विशेष अर्थ भी नहीं है, ये बोलना चाहते हैं। फिर रेवत्य, रेवत्य का प्रथम बहुवचन है, रेवत्य इति विसर्गता ड्रॉप हो गया, साम नाम ध्येयम पूर्ववत नित्य बहुवचनांत भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। पशवो वै रेवती श्रुत्यंतरम आश्रित, ये पशु में क्यों है? वैसे श्रुतिवाद है, पशवो वै रेवती पशु, देखो पशवो बहुवचन है, इसके साथ सामना भी करना दिखाई दे रहा है, रेवती किसी को भी बहुवचन है, क्योंकि रेवती शाम मतलब पशु में ही आश्रित है, श्रुत्यंतरम आश्रित ये दुष्ट आश्रित का आश्रय करके यहाँ पे बोलते हैं ये रेवती शाम पशु में गुथा हुआ है, पशु सुप्रोता। इसका आगे फल देखिए बोलते हैं यहाँ पे, स ज एवमेता रेवत्य पशुषु प्रोता वेद, स ज एवमेता रेवत्य पशुषु प्रोता वेद, पशुमानुभवति सर्वमायुरेति जोग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्ता, सर्वमायुरेति जोग जीवति पशुना निंदे तद व्रतम, पशुना निंदे तद व्रतम, स ज एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद, पशुमान भवति सर्वमायुरेति योग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्ता, पशुना निंदे तद व्रतम। कुछ नहीं लिख रहे हैं भाष्यकार पीटिकाकार भी, पशुना निंदित तद व्रतम इतना ही है इसमें, पहले एक ही फल तो बार बार बोलते हैं, यही फल, फल में कोई भिन्नता नहीं है बस। आगे देखिए जो यज्ञ यज्ञ शाम, अब अगले वाला जो आ रहा है वो यज्ञ यज्ञ शाम, मतलब यज्ञ संबंधित जो है ना उसका नाम देखिए बोलते हैं,
लोमहिंकार लोमहिंकार स्वप्रस्ताव स्वप्रस्ताव मागुंशम उद्गीत मागुंशम उद्गीत अस्थि प्रतिहारो अस्थि प्रतिहारो मज्जानिधनम मज्जानिधनम एतद् यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम् एतायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम् लोमाहिङ्कार त्वप्रस्तावो मागुंसामुद्गीतो अस्ति प्रतिहारो मज्जानिधनम् एतद् यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम्। टीकाकार देखिए दोनों का भी संबंध जोड़ने की पशु विकार पयोदध्यादीनाम पुष्टि अंगानाम दृष्ट्या इति पशु दृष्टि अनंतरम अंग दृष्टि माह। इसके पहले पशु दृष्टि से बोला था, अब पशु के बाद आपने अब अंग दृष्टि क्यों कहा? बोलते हैं कि पशु के द्वारा दिए हुए अन्न दूध आदि को आपने पी करके शरीर पुष्ट होते बोलते हैं पशु विकार पय पशु का विकार है दूध और दध्यादीना अद्धि घृत आदि के द्वारा पुष्टि अंगानम दृष्टा शरीर की पुष्टि होता है दिखाई देता है इति। इसीलिए पशु दृष्टि अनंतर में पशु दृष्टि के बाद अंग दृष्टि शरीर की अंग दृष्टि से शाम उपासना के बारे में कथन कर रहे हैं। भाष्यकार क्या बोलते हैं लोमो हिंकार देह अवगानाम प्राथम्या शरीर के सबसे पहले कौन सा अंग दिखाई रोए दिखाई देते हैं है ना, इसीलिए रोए सबसे सबसे ऊपर में रोए हैं इसीलिए देह त्वक प्रस्ताव उसके बाद त्वचा है वो प्रस्ताव में त्वचा दृष्टि का टान अंतर मांस उद्गीत मुझके नहीं जो मांस है इसलिए उद्गीत वो श्रेष्ठ भी है इसलिए यहाँ पे उद्गीत में मांस दृष्टि करना है। फिर उसके नीचे ढका है अस्थि इसलिए बोलता है प्रतिहार अस्थि प्रतिहार प्रतिनिधित्व वो इकट्ठा होकर के बंधा रहता है। मज्जा निधन इस अस्थि के अंदर जो बोन मैरो बोलते हैं उसके अंदर जो रहता है उसको निधन बोलते हैं क्योंकि उसी के ऊपर अस्थि टिका रहता है वो बोन मैरो सूख जाते हैं तो अस्थि गिर जाते हैं फिर दर्द होने लगता है। एतद् यज्ञ यज्ञियम नाम साम इस साम का नाम है यज्ञ यज्ञीय अपने को योग्य मान करके देह अवयव सुप्रता और शरीर के अवयव में गुथा हुआ है शरीर के अवयव में गुथा हुआ है। लोम हिंकार देह अवयव नाम प्राथम तक प्रस्ताव आनंतर्य मांस उद्गीत श्रेष्ठ एक ही प्रकार के इसमें कुछ भिन्नता नहीं है केवल विशेष नाम लेकर के बोला जा रहा है। ये यज्ञ यज्ञ समय अस्थि प्रतिहार तो प्रतिहार में अस्थि दृष्टि निधन में मज्जा दृष्टि यज्ञ यज्ञ श्याम देह अवयव सुप्रतम। यहाँ पे देखिए टीका के एक लाइन बचा है रसो वै यज्ञ यज्ञियम इति श्रुते आनंद गिरि जी कहाँ कहाँ से सब व्यवहार करते हैं देखिए है ना। ये जो यज्ञाजज्ञ शाम जो है रस में गुथा हुआ है इसीलिए अन्न रस विकारे न लोमादि न जो अन्न रस के विकार है शरीर लोमादि लोम तचादि उसके साथ संबंध रख संबंधात यज्ञाजज्ञीय शाम यज्ञाजज्ञ जो शाम शाम न्यूटर जेंडर है ना वो कहते सामन प्रतिपदिक शाम क्या होता है अंगेशु प्रतिष्ठितम इति वो हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से एक एक नाम लेकर के नाम भी याद रखना मुश्किल है। गायत्री से शुरू हुआ गायत्री रथंतर ब्रह्मदेव बृहद वैराजो वैरूप्य है ना। इस प्रकार से जो यहाँ पे क्या आएगा यज्ञ यज्ञ शाम ठीक है यहीं पे रखते हैं। ये रेवती स्वामी अब दो कौन दोनों आपका वो बच्चन में प्रयोग होता है एक शक्वर्व्यु और रेवती शक्वर्वी और रेवती ये नित्य बहुवचन में प्रयोग होता है ठीक है ठीक है यहीं पे रखते हैं। इसके बाद जो अच्छा वाला खंड है 23 उस वहाँ से देखना हमारा उपनिषद के लायक ये शुरू हो गया फिर केवल उपासना का प्रसंग आया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुनाथेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।